हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आप लोग कहेंगे कि यार गेमलर भाई आज इतना सुबह सुबह कितने जा रहे हो? तो यार सीन ऐसा है कि मेहमान आए हुए हैं उमरा पे और अपा ने कहा कि जाओ उनको पिक करो और घर ले आओ, नाश्ता खाना वाना खिलाओ, नाश्ता वाश्ता करवाओ। तो अभी सुबह के तकरीबन 10 बजे बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सीधा मक्का, उनको वहाँ से उठाऊँगा और थोड़ी ज्यारत वारत करवाऊँगा। मैंने कहा यार चलो आप लोगों को भी थोड़ी ज्यारतें दिखा ही दी जाए कि ज्यारत यहाँ पे कौन सी ज्यारतें हैं मक्का में। तो कोशिश करेंगे कि सब ज्यारतों पे चले जाए और अगर सब पे नहीं छोड़ा हमको यहाँ नीचे, हमें बंदों को उठाने आ गए, जो है ना उनको उठाएंगे और फिर ज़्यारतों पर चलेंगे। हाँ जी, तो मेहमान को उठा लिया है हम लोगों ने और अब जो है ना ये जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये शैतान है जिधर हज में इन लोगों को पत्थर मारते। तीन जो छतरियाँ नज़र आ रही है ये तीन शैतान है, तो इसको पत्थर मारते हज में। और अब जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है ये मीना है जहाँ पे हजी क़याम करते हैं, जो खेमे होते हैं ये वो मीना है और यहाँ पे हजी आते हैं और यहाँ पे क़याम करते हैं। ये हज में जो है ना फुल भरा होता है, लाइक कदम रखने की जगह नहीं होती। 10 लाख लोग होते हैं यहाँ पे कुल मिला के, देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, ये इसके खेमे हैं। और ये अरफात है, अरफात का मैदान। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले हुए थे, ये वो जगह है ना जहाँ वो कहते हैं ना अरफात के मैदान में देखेंगे से ना, यहाँ पे सब क़यामत के दिन लोग सारे के सारे यहाँ पे जमा होंगे। ये अरफात का मैदान है, ये यहाँ पे ये अरफात की पहाड़ी है, हज में यहाँ पे भी लोग आते हैं। और अब हम पहुँच गए गारे हिरा। गारे हिरा वो ऊपर पहाड़ के सर पे है और ये इधर से सीढ़ियाँ जाती हैं और हमने थोड़ा सा रास्ता मारा है मगर सांस फूल रही थी। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं 1400 सीढ़ियाँ है, कुछ लोग कहते हैं 1200 सीढ़ियाँ हैं, बस मुझे कंफर्म नहीं है। बट सीढ़ियाँ जो थी ये लोकल्स ने बनाई है, मतलब लोकल पाकिस्तानियों ने बनाई है, फंडिंग मतलब शेखों से फंडिंग नहीं हुई इनकी, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खुद बनाई हुई है। यहाँ पे झाड़ू माड़ू मारते हैं, कुछ बाहर के लोगों ने इसको वो किया था, फंड किया हुआ था। तो ये इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ हैं इसकी, यार बहुत सख्त है। ये दीन जो है ना हमें बहुत आसानी से मिला है, हम खुशनसीब लोग हैं। उस ज़माने में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत की थी, यहाँ नीचे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है। हमें ये दीन जो है ना बहुत आसानी से मिला हुआ है, हमारे सहाबा ने पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बहुत सख्तियाँ सही है, तो इसलिए हमें ये आसानी से मिला है। तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं और सख्त है मगर जाएंगे ज़रूर। यहाँ पे जो है ना मेरी हालत मजबूरी हो रहा हमारे था, उम्रे तो खबर उम्रे तो खबर रही उम्रे वाला बात सख्त हो रहा स्टूडियो में लेट गया ऊपर थोड़े चाव बनाए कि लोगों ने, तो हम बैठ गए थोड़ा नींबू पानी पिया, उसके बाद अपना सफ़र पूरा किया। अब ये हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, ये ऊपर से कुछ इस तरह का मंज़र होता है। यहाँ पे ऊपर जा रहे थे तो इधर थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर इधर एक शॉप वॉप बनाई है, फिर इधर से कीनू वीनू लिए, थोड़ा एनर्जी बूस्ट किया। ये ऊपर से इस तरह का कुछ मंज़र होता है, नीचे जो है मक्का का शहर है।
पहले तो ये शहर बहुत छोटा था, लाइक जो पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबा के वक्त में ये शहर बहुत छोटा था, अब जो है ना माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है, जिसके आप लोग देख सकते हैं सारे पहाड़ों में वो है। तो यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, सामने से क्लॉक टावर भी नज़र यहाँ से आता है, वो आप लोग देख सकते हैं, ये क्लॉक टावर है, ये सामने हरम है। और अभी नीचे जाते हैं, देखते हैं, रश बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से मैं नीचे नहीं गया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, गार के अंदर नहीं गए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सीढ़ी में लेट गया था। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये गार हिरा, ये जो लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, एक छोटा सा वो है रास्ता है, जिसके अंदर से आप लोग अंदर जा सकते हैं। अंदर थोड़ा बड़ी जगह है, मतलब नमाज और इबादत कर सकते हैं वहाँ पे। ये सारे लोग इधर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतना रश है यहाँ पे, इधर नीचे नहीं जा सकते क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये सामने नज़र आ रहा है ना, ये हराम है, इसलिए वो नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा थक गया था सीरियसली। वापस जाएंगे, पूरा एक घंटा सवा घंटा लगा है हमको यहाँ तक, सवा घंटा लगा है हमको यहाँ आते आते। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पहुँच गए ना, दिल को सुकून मिल गया। अभी वापस नीचे जाएंगे, बहुत सख्त है यार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए, ये दिन हमें बहुत आसानी से मिला है, बट इसके पीछे बहुत बड़ी मशक्क़त थी, है ना। उधर नीचे से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम यहाँ ऊपर आए हुए। तो ये ऊपर का कुछ इस तरह का मंज़र है, बहुत लाइक सख्ती बहुत थी, बट जब ऊपर आए तो एक सुकून सा मिल गया हमें। अभी वापस जाने का तैयारी हो रही है यार, आते वक्त डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आते वक्त चढ़ाई थी, सीढ़ियाँ थी, तो इतना डर नहीं लग रहा था, बट जाते वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अल्लाह आप सबको यहाँ पे नसीब करे। बट मेरी एक एडवाइस होगी आप लोगों से, जो भी लोग आए, कि कभी भी एक उस पर ना चढ़े, 10-15 सीढ़ियाँ 20 सीढ़ियाँ चढ़े और थोड़ा रेस्ट करे, फिर 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा रेस्ट करे, क्योंकि यार बहुत सख्त है, और उन लोगों के लिए तो बहुत सख्त है जो एक्सरसाइज नहीं करते और बस सिर्फ चल रहे होते। या पे शेख साहब मिलते, हाथ हिलाता है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये पठान थे, इन्होंने कहा कितना रास्ता बाकी है हमारे साथ, कि पंजाब में किससे पूछो कि कितना रास्ता बाकी है, कहते हैं थोड़ा सा ही है, और पूरा रास्ता बाकी था। यहाँ पे मैं कुछ बातें कर रहा था, बट यकीन करो मैं वीडियो खुद देख रहा था तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रही थी मेरी आवाज़, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बट इसमें मैं कह रहा था कि यार बहुत सुकून मिलता है जब आप ऊपर पहुँच जाते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आए तो आराम से रेस्ट करके, क्योंकि जब हम ऊपर से आ रहे थे, जब लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हम कहते थे आराम करो। यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए और घर चले गए, बिल्कुल दम नहीं था, और बस यही व्लॉग ख़त्म करते हैं। घर जब आए तो बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, यकीन करो इतना थक गया था कि लाइफ में मैं इतना नहीं थका था कभी, और इतनी वो मैंने कभी नहीं की। मगर जब वहाँ पे पहुँचे थे तो बहुत सुकून मिला था, सीरियसली नो डाउट, बहुत ज़्यादा सुकून था और बहुत मज़ा भी आया था। वो चढ़ते वक्त थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, मगर यकीन करो बहुत मज़ा आया, और एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाइए, आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि यार ये दीन हमें कितनी मुश्किलों से मिला है, लोगों ने कितनी मेहनत की है इसके पीछे। और ये व्लॉग यही तक था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।